वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको पूर्णिया शहर का एक बायोफ्लॉक का मछली पालन है वहाँ आपको हम ले चलते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे पूर्णिया का बायोफ्लॉक। अगर आप बायोफ्लॉक खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। यू कुड वॉच द कम्प्लीट वीडियो हेयर एंड यू कुड लर्न हाउ टू मेक ए बायोफ्लॉक। चलिए थोड़ा उधर आगे देखा जाए। अराउंड ये पोखर में करीब 6 से 7 फीट गहरा है। चलिए दूसरा साइड में, मछली आ नहीं रही है। आपके बायोफ्लॉक का विजिट करने आए हैं और हमारे दर्शक आपको क्या कहना चाहते हैं थोड़ा अपना विचार बताइएगा। ये मेरा अपना बायोफ्लॉक है, आप देख रहे हैं। सिर्फ मछली पालन करना कोई ये नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खिलाइए पिलाइए। खिलाने में आप क्या खिला रहे हैं? हम इसको मुढ़ी खिलाते हैं और अभी पोल्ट्री का घोटी देते हैं, कोई गंदा चीज़ नहीं देते हैं। ये उसको सारा आदमी खाता है, गंदगी नहीं खिलाते। बहुत आदमी देखिएगा, कुत्ता बिल्ली कुछ भी खिला देता है। ये हम मूढ़ी फेंक रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये करीब कितने दिनों की मछलियां हैं, 60 या 62 दिन की? ये अभी 60 दिन हुई है। 60 दिन के, ये करीब 60 दिन की मछली है। 100 ग्राम का छोड़े थे, अभी 200 ग्राम का। चलिए आपका सभी पोखर को हम विजिट करते हैं, दूसरे पोखर को हम दिखाते हैं। और मेरे आगे और पोखर है। इसमें कौन सी मछलियाँ रखे हैं आपने? इसमें हम अपने खाने के लिए रखे हैं, रूहू कतला है। ये अभी आपको नहीं दिखाई देगा, चलिए सुबह सुबह आपको दिखाई देता। आज उस बार मुर्गी पालन हो रही है क्या? हाँ, उस बार मुर्गी पालन हो रही है। यानी कि आप मछली के साथ मुर्गी का भी पालन करते हैं? देसी मुर्गी भी रखते हैं, पोल्ट्री भी रखते हैं, मिला के रखते हैं। मुर्गी पालन और मछली पालन साथ साथ करने का क्या रीज़न है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? यह है, मुर्गी पालन करने से मुर्गी का जो बीट होता है वो पूरा मछली में दे देते हैं, भोजन भी हो जाता है मछली का और इधर मेरा अच्छा खासा बेनिफिट भी आ जाता। और अब ये देखिए मेरा दूसरा, ये है, ये आपका चौथा नंबर का पोखर है। चौथा नंबर का पोखर है, ये देखिए पहुंच गया है।